संचार आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को यदि अपने घर दावत में बुलाना होता है या उसे कोई सूचना या जानकारी देनी होती है तो आप क्या करते हैं आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने पर विचारों देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं सभी संचार के साधन हैं क्या आप जानते हैं भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में हुई थी अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है यह पत्र तार पार्सल किताबें अखबार बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल जल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है हम लोग टेलीफोन दूरभाष और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं इस व्यवस्था को दूरसंचार कहते हैं भारतीय दूर संचार व्यवस्था एशिया में सबसे अलग है रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं टेलीविज़न फिल्मों व सीरियलों द्वारा हमारा मनोरंजन भी करता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो आप टेलीविजन में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं बताइए टेलीविजन में कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और हमें उन्हें ही देखना होता है लेकिन कंप्यूटर ऐसा साधन है जिसमें हम इंटरनेट पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आपके बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं टेलीफोन कॉल टीवी की तस्वीरें कंप्यूटर डाटा इनसे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है आपकी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिक केबल एक बार में कई हज़ार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकता है कई दूरसंचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचारित करने के लिए केबल टीवी के सिग्नल के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर रही हैं इंटरनेट इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है ये है फ़ोन और ये है कंप्यूटर ये है फैक्स मशीन और ये रेडियो कम टैप टैप रिकॉर्डर ये सं, संचार के साधन हैं इस फोटो में संचार उपग्रह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा क्रिकेट खेला कैसा क्रिकेट खेल खेला पहले हम इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे पर अब हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट मैच हो या कोई उत्सव समारोह उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं इसे संभव बनाया है संचार उपग्रहों ने इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा ग्राम विकास महिला एवं शिशु कल्याण पंचायती राज व्यावसायिक प्रशिक्षण जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं भारत के इनसेट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं आप इधर इंटरनेट नेटवर्किंग का एक तस्वीर बना हुआ है ये है कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर डाटा भंडार इसमें डाटा का भंडार होता ये से है. है ये इससे कनेक्टेड है उसके बाद ये इधर इससे कनेक्टेड है ये स्थानीय कंप्यूटर हैं दोनों ठीक है इंटरनेट सर्विस प्रबंधक ये इंटरनेट सर्विस प्रबंधक है और उसके बाद ये क्या कर रहा है अन्य स्थानीय कंप्यूटरों से कनेक्टेड है जो भी है ठीक है ये दोनों हैं ये इससे कनेक्टेड हैं ये इससे कनेक्टेड है, है तो इसी जितने भी कम, मतलब कंप्यूटर होते हैं एक स्थानीय एक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला सर्वर होता है उससे कनेक्टेड होते है इससे इंटरनेट कंप्यूटर में जाता है और उस इंटरनेट से आप सभी काम कर सकते हो सभी विश्व व्यापक नेटवर्क को आई से जोड़ना ठीक है ये क्या करता है इन सबको इन सबको ये आपस में जुड़ जाते हैं तो जो ये जो जो, जो 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 इन कंप्यूटर में जो भी डाटा है सब एक दूसरे को पता लग जाता है ठीक है इधर और भी जानिए विश्व व्यापार संगठन डब्लू व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अन्य देश सदस्य हैं इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब हम जैसे आजकल हम कुछ भी सर्च करते कोई वेबसाइट हमें ओपन करनी है तो लिखते हैं www. डब्ल्यू डॉट वेबसाइट का नाम लिखते हैं फिर डॉट कॉम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में जब भी हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं सबके आगे हमेशा डब्ल्यू 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 लगाती है तीन डब्ल्यू लगाते हैं तो उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब शब्दावली सॉफ्टवेयर जिस इकाई पर कंप्यूटर में कार्य किया जाता है कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है जो कार्य करने में मदद करता है कंप्यूटर मतलब उससे कंप्यूटर चलता है सही से प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको इस पार्ट के जो अभ्यास है क्वेश्चन आंसर से ये सारे देखने को मिल जाएंगे